हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केनी फैक्ट्स में। आज हम आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया की 10 अनोखी नदियों के बारे में, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नदी के साथ मनुष्य का गहरा संबंध रहा है। प्राचीन काल से ही सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे होता रहा है और नदियों के द्वारा लोगों का लालन पालन किया जाता रहा है। यूं तो नदियों के जल का उपयोग मुख्यतः कृषि कार्य, पीने के पानी, बिजली उत्पादन जैसे कार्यों में किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ऐसे ही दुनिया की 10 अमेजिंग रिवर के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे देश की एक नदी जिसकी पानी इतना साफ है आपको विश्वास ही नहीं होगा। एक नदी जिसकी पानी के 5 रंग होते हैं। दुनिया में ऐसा नदी भी है जहाँ जाना अपने मौत को बुलाने जैसा है। तो आए ऐसे 10 नदी के बारे में जानते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आइए अब वीडियो को देखते हैं। नंबर एक पर हम आपको बता दें, मेघालय के इस नदी का नाम उमंगोट है। इस नदी के बारे में जानकर आप भी चौंकने वाले हैं, क्योंकि इस नदी का पानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा साफ है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि नीचे का एक एक पत्थर क्रिस्टल की तरह नजर आता है। इसमें धूल का एक कण भी आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसे देश की सबसे साफ नदी कहा जाता है। भारत में नदियों की स्थिति जहां खराब से खराब होती जा रही है, वहीं यह नदी अपने देश में एक मिसाल बनी हुई है। वैसे हम चाहे तो इसको भी उसी नदी की तरह बना सकते हैं। खैर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह नदी अभी तक इतनी साफ है कि इसकी तलहट बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग से करीब 95 किलोमीटर दूर है और अगर आप वहां गए हो तो इस बार इस नदी की सैर जरूर करिएगा। यहां आए पर्यटकों का अक्सर यही कहना होता है कि हमें लगता है मानो हम किसी कांच की सतह पर अपनी नाव में बैठे तैर रहे हो। इसकी सफाई का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि गौर से देखने पर भी आपको इसमें प्लास्टिक की बोतल, थैलियां, कागज आदि अन्य कोई कूड़ा करकट नजर नहीं आएगा। बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। किसी राज्य के एक मुख्यमंत्री ने इसकी शेयर करने के बाद इसे दूसरी दुनिया की नदी का करार दिया था। यही इस नदी की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ रहने वाले लोग इस नदी की तुलना स्वर्ग में बहत नदी से करते हैं। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों से ये कहा जाता है कि वो किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाती है। नंबर दो पर हम आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी, एक नदी में बहते पानी के 5 रंग हैं। पहली नजर में ये फोटोशॉप तस्वीरों जैसा लग रहा है। ये धरती पर नदी की तरह बहने वाला इंद्रधनुष है। इसमें आपको 7 की जगह 5 कलर ही नजर आएंगे। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। दुनिया की यह खूबसूरत नदी दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया देश में बहती है। सभी को हैरान करने वाली इस खूबसूरत नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल। क्रिस्टल की इस रहस्यमयी डोंगी नदी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग कोलंबिया की यात्रा करते हैं। नदी की सुंदरता के कारण इसे दिव्य उद्यान भी कहा जाता है। नदी में बहता है 5 अलग अलग रंगों का पानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नदी में पानी के 5 अलग अलग रंग बहते हैं। इस नदी का जल रंग पीला, हरा, लाल, काला और नीला है। ये नदी अपने विविध जल के कारण 5 रंगों की नदी के रूप में भी जानी जाती है। आम लोग इस इंद्रधनुषी पानी को तरल इंद्रधनुष कहते हैं। पंचरंगी बनने के पीछे ये है दिलचस्प वजह। कैनो क्रिस्टल नदी के पानी का रंग बदलने का एक दिलचस्प कारण है। जादुई नदी के पानी में नहीं बल्कि उसमें उगने वाला एक खास पौधा मैक्रेनिया क्लेविगेरा है, जिससे ऐसा लगता है मानो पूरी नदी अलग अलग रंगों से भर गई हो। जब पानी के तल पर पौधों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी लाल हो जाता है। वहीं धीमी और तेज रोशनी के हिसाब से पानी के रंग पर इन पौधों के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। नंबर तीन पर हम आपको बता दें, रूस के उरल पर्वत से निकलने वाली टेका नदी दिखने में जितनी खूबसूरत है उससे कई ज्यादा इस नदी का पानी जहरीला है, जिसके संपर्क में आने के बाद हमें कई भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ता है। दुनिया में लाखों नदियां बहती हैं। नदी किनारे बैठना या उसके पानी में अथखेलिया करना हर किसी को पसंद होता है। टेका नदी दिखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर जाना मौत को दावत देने के बराबर है। टेका नदी का पानी इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव है कि शरीर पर लगते ही ये आपको जानलेवा बीमारियां दे सकता है। इस नदी का पानी दिखने में किसी मिनरल वाटर की तरह साफ है, लेकिन जिस किसी ने भी इसके पानी का इस्तेमाल किया उसकी जिंदगी बीमारियों के जाल में फंस गई। टेका नदी 243 किलोमीटर लंबी है और 7600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस नदी में रहस्यमय न्यूक्लियर कंपाउंड को फेंका गया था, जो हजारों लोगों को प्रभावित कर चुका था। इस नदी के पानी में इतना ज्यादा रेडिएशन है कि टेका के पास बसे तमाम गांवों के लोगों को यहां से निकालना पड़ा। नंबर चार
नंबर चार पर हम आपको बता दें, भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के कुछ इलाकों में बहने वाली नदी स्वर्णरेखा दुनिया के उन गिनी चुनी नदियों में शामिल है जिसके जल से सोना प्राप्त किया जाता है। झारखंड में तमाड़ और सारंडा जैसी जगहों पर स्वर्णरेखा नदी के पानी में स्थानीय आदिवासी रेत को छानकर सोने के कण इकट्ठा करने का काम करते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद सोने के एक या दो कण निकाल पाता है। एक व्यक्ति पूरे महीने में 60 से 80 सोने के कण निकाल पाता है। हालांकि किसी महीने में ये संख्या 30 से भी कम होती है। ये कण चावल के दाने या उससे थोड़े बड़े होते हैं। रेत से सोने के कण छानने का काम साल भर होता है। सिर्फ बाढ़ के दौरान 2 माह तक काम बंद हो जाता है। रेत से सोना निकालने वालों को एक कण के बदले 80 से 100 रुपए मिलते हैं। एक आदमी सोने के कण बेचकर माह भर में 5 से 8 हजार रुपए कमा लेता है। हालांकि बाजार में इस एक कण की कीमत करीब 300 रुपए या उससे ज्यादा है। स्थानीय दलाल और सुनार यहाँ के आदिवासी परिवारों से सोने के कण खरीदकर करोड़ों की संपत्ति बनाई है। नंबर पाँच पर हम आपको बताने जा रहा हूँ, इस दुनिया के एक नदी में साल भर बहता है उबलता हुआ गर्म पानी, लोग चावल पकाकर खाते हैं। इस नदी में 24 घंटे और साल के 365 दिन उबलता हुआ पानी बहता है। दुनिया के कई देशों में कई तरह की नदियां हैं जिनके बारे में अजब गजब बातें हैं। जैसे कोई नदी बहुत लंबी होती है तो कोई बहुत चौड़ी, यानी किसी का पानी बिल्कुल साफ होता है तो किसी का मटमैला। लेकिन बॉयलिंग रिवर इस दुनिया में एक ऐसी अनोखी नदी भी है जिसमें 24 घंटे और साल के 365 दिन उबलता हुआ पानी बहता है। ये नदी दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में स्थित है। इस अनोखी नदी की खोज आंद्रेज रूजो ने साल 2011 में की थी। इस उबलते हुए पानी की नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर, चौड़ाई 82 फीट और गहराई 20 फीट है। नदी में बहता है 200 डिग्री फारेनहाइट पर उबलता हुआ पानी। अमेजन बेसिन में यह नदी जंगल के बीच बहती है। इसका पानी 200 डिग्री फारेनहाइट पर उबलता रहता है। ये तापमान इतना है कि अंडे और चावल आसानी से उबाल सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई जीव इस नदी में गिर जाए तो वो जिंदा नहीं बचता। ठंड के मौसम में भी इस नदी का पानी इतना ही गर्म ही रहता है। लोगों का कहना है कि इस नदी में पानी इतना गर्म रहता है कि आप उसमें आसानी से चावल तक पका कर खा सकते हैं। बॉयलिंग रिवर के आसपास उसके गर्म पानी की भाप उड़ती दिखती है। इस भाप की वजह से कई बार इलाके में दृश्यता यानी विजुअलिटी काफी कम हो जाती है। इस वजह से इलाके से अनजान लोगों के हादसे का शिकार बनने का खतरा अधिक रहता है। हालांकि पानी और कुदरत के इस गजब नजारे को देखने के लिए लोग यहां आते रहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन इसके बावजूद बॉयलिंग रिवर की इस खासियत और कुदरत के अनोखे नजारे को देखने के लिए लोगों के मन में उत्सुकता बनी रहती है और वो बड़ी संख्या में यहां आते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। प्लीज अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।